नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विधि टेरियम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या डीआरटी में सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को ही राहत मिलती है। आप लोग हमेशा यही कहते हैं कि सर हमें डीआरटी में केस फाइल नहीं करना चाहिए, बैंक जो भी बोले उसकी बातों को हम लोग को मान लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बैंक जिस तरीके से अपनी बातें मनवाना चाहे वैसे कस्टमर को मानना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने निराशा पाल ली है अपने मन में, एक नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में पाल ली है कि डीआरटी में केस को फाइल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीआरटी में तो हम लोग की सुनवाई होती ही नहीं है, डीआरटी में बैंक की ही सुनवाई होती है। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा इस बात को पूछते रहते हैं और मन में एक नेगेटिविटी होती है कि डीआरटी में हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो हमें डीआरटी में कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए, और डीआरटी में जाने के लिए सावधानियां क्या हैं? यदि आपने बैंक से लोन लिया है और आपने डिफॉल्ट किया है और बैंक ने आपके खिलाफ रिकवरी के लिए डीआरटी में केस फाइल किया है, तो वहां पे किस तरीके से अपने को डिफेंड करना है, किस तरीके से एक अच्छा वकील करना है। देखिए, किसी भी केस को जीतने के लिए एक अच्छा वकील होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सावधानियों को बताऊंगा और बारीकी से बताऊंगा किस तरीके से आप डीआरटी में केस फाइल करते हैं तो उसको जीत हासिल कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, डीआरटी में केस फाइल करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। मान लीजिए कि गलती बॉरोअर की है और बॉरोअर ने सही तरीके से सही समय पे पेमेंट नहीं किया है, उसके बाद भी बैंक की तरफ से नोटिस आई हुई है, उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है और वह केस को फाइल कर देता है डीआरटी में, तो डीआरटी जब उसके खिलाफ कुछ भी ऑर्डर पास करती है तो वो कहता है कि हमें तो डीआरटी से राहत मिली ही नहीं है, और लोग कहते हैं कि डीआरटी से बॉरोअर को भी राहत मिलती है। तो यहाँ पे सावधानियाँ ये बरतनी है कि यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो सबसे पहले तो आपको अपना लोन सही समय पेमेंट करना चाहिए। यदि सही समय पे पेमेंट नहीं करते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आपको बैंक की नोटिस आती है तो यहाँ पे आपको नोटिस का जवाब तुरंत देना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बैंक के नोटिस का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं, या फिर हम नहीं देंगे, देखते हैं बैंक क्या करेगा। कुछ लोग अकड़ जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग उसमें लापरवाही करते हैं, कुछ लोग उसको ध्यान से नोटिस को नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है और हम देखेंगे जो भी होगा देखा जाएगा। इंडिया में ये बहुत बात प्रचलन है कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो जब इस तरह की जो नोटिसें आती हैं तो जब उसका आप सही समय पर रिप्लाई नहीं देते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये एविडेंस के रूप में बैंक आपके अगेंस्ट डीआरटी में प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने इनको नोटिस दिया लेकिन इन्होंने नोटिस का जवाब सही समय पर नहीं दिया, तो इस तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि आप ये सोचते हैं कि आप डीआरटी में केस फाइल ना करें। पहली बात तो फाइल करते हैं तो जो आपकी तरफ से गलतियां होती हैं उसको भी आप नहीं देखते हैं, उसके बाद भी केस फाइल कर लेते हैं। दूसरी बात आप ये सोचते हैं कि हमें डीआरटी में जाना ही नहीं चाहिए, हमें बैंक जिस तरीके से घुमाए हमें घूम जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि बैंक की तरफ से कोई गलती है, नोटिस भेजने में गलती है, उसने आपके अकाउंट को एनपीए करने में लेट किया है, मान लीजिए कि आपके अकाउंट को 2 महीना पहले उसने एनपीए कर दिया है और उसकी जानकारी आपको 3 महीने के बाद देता है, तो ऐसे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज को लेकर के भी आप बैंक के खिलाफ डीआरटी में केस फाइल कर सकते हैं। गलत तरीके से रिकवरी करते हैं बैंक वाले तो भी केस फाइल कर सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूटेड मैटर है और बैंक ने लोन दे दिया है और आपका उसमें इंटरेस्ट है, यानी कि एक भाई ने प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया है और 2 भाइयों का उसमें इंटरेस्ट है लेकिन 2 भाइयों ने सिग्नेचर नहीं किया है, फिर भी गलत तरीके से बैंक ने लोन दे दिया है, तो आप उस तरीके से भी जा सकते हैं और बैंक के खिलाफ डीआरटी में केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पक्ष रखेंगे तो आपको जीत जरूर हासिल होगी। तीसरी बात यह होती है कि आपका जो एडवोकेट है क्या वो बैंकों से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, बड़ी बारीकी से ध्यान देना है कि आपका एडवोकेट आपको हर बात सही समय पे सही चीजें बता रहा है या नहीं, आपको हियरिंग में क्या उसने बातें की, क्या उसने एविडेंस प्रूफ किए, क्या उसने एविडेंस पेश किए, किस तरीके के कागजात उसने लगाए, क्या ऑब्जेक्शन उसने लगाए, ये तमाम तरीके की जो चीजें होती हैं वो भी डीआरटी में बड़ा ही मैटर करती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने क्लाइंट को जीत
दिलाने के लिए कि आपका जो भी एडवोकेट है वो आपके प्रति ऑनेस्ट रहे, यानी कि आप उस पर यदि ब्लाइंड फेथ करते हैं तो वो भी आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ करे। वो बैंकों के वकील से जाकर के मिल करके आपके अगेंस्ट कोई ऐसा कदम ना उठा दे कि आपसे ही पैसा भरवाने के लिए वो आपको मजबूर कर दे, तो इसमें भी आपको ये बात ध्यान देनी होगी। तो आपको इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके ही DRT में केस फाइल करना चाहिए, और बोरोवर को तो केस जरूर फाइल करना चाहिए, क्योंकि बोरोवर को बहुत ही ज़्यादा रेमेडीज मिलते हैं DRT से। तो आपके मन में जो ये निगेटिविटी है कि हमें DRT में केस फाइल नहीं करना चाहिए, बोरोवर को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए। बोरोवर को हमेशा वहाँ से रिलीफ मिला है, और यदि बैंक की कोई गलती होती है तो DRT बैंक के ऊपर जुर्माना भी लगाता है। तो इस तरीके से आप अपने को और अपने केस को DRT में फाइल करके मजबूत कर सकते हैं, अपने पक्ष को मजबूत कर सकते हैं, अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं और केस को जीत भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको नोटिसों का जवाब सही समय पर देना है, अच्छा वकील करना है और अच्छे तरीके से DRT में केस फाइल करना है, तभी जीत आपके हाथ में होगी, तभी जीत आपको मिलेगी। कोई और प्रश्न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोई अन्य प्रकार से विधिक सलाह की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे ही अपने लोन सेटलमेंट, लोन संबंधित, सर्फेसी एक्ट संबंधित कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो तो उसके लिए आप हमसे विधिक सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।